मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज का जो व्लॉग है मैं मेरे गांव में बनाऊंगा, और इस व्लॉग में आपको मेरा जो गांव है उसके आसपास के जो लोकेशन है, जो मेरा घर है वहां की लोकेशन आपको इस पूरे व्लॉग में दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं 3 दिन के लिए घर पे आया था, तो सोचा कि क्यों न आपको भी हमारा जो घर है वहाँ की लोकेशन दिखा दी जाए। तो गाइज अभी जो है मैं हमारे जो फार्म हाउस है वहाँ पे खड़ा हूँ, और वहाँ खड़ा होकर के मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस व्लॉग को पूरा देखना, और इस व्लॉग में मैं घर से कहाँ कहाँ पे जाऊँगा और हमारा जो घर की जो लोकेशन है वो कैसी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज बने रही आप इस व्लॉग में। गाय जी फार्म हाउस से दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। ये जो है ये पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है ये नींबू का पेड़ है, और इस पेड़ के जो है हर 6 महीने से नींबू लगते हैं, इसको बारहमासी नींबू भी बोलते हैं। तो गाय जी ये हमारा फार्म हाउस है, ये इधर जो बाउंड्री है ये पत्थर की बाउंड्री लगा रखी है हम लोगों ने, और पत्थर की बाउंड्री लगा रखी है यहाँ पे, और जो दूसरी तरफ जो बाउंड्री दिखाई दे रही है वो तारबंदी लगा रखी है, एल्यूमिनियम के तार जो होते हैं ना जिसको जाल बोलते हैं उसकी बाउंड्री लगा रखी है। दोस्तों ये पीछे का छोर है जो आपको वहाँ बीच सेंटर में जो एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़, ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा इसमें ये लास्ट का छोर है, और वहाँ पे कोने में एक ट्यूबवेल भी है, अभी हम लोगों ने 1 साल पहले करवाई थी, जिसमें जो पानी है वो ठीक है, मतलब काम चल जाएगा हम लोगों का। इस तरफ से तो ये है, तो इसमें रेगुलर देखिए कंटिन्यू, ये हमारा जो ये पेड़ लगा रखे हम लोगों ने, जो हमारा जो फार्म हाउस है उसके दोनों तरफ की जो बाउंड्री है उसमें हम लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं, नीम के पेड़ हैं और बेल पत्र के पेड़ हैं। ये देखिए ये हमारा फार्म हाउस है, ये देखिए। ये फार्म हाउस है गाय जी, वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा घर है, जो कि हमने फार्म हाउस पे ही इसको बना रखा है, और बिल्कुल नज़दीक से कि नज़दीक से भी आपको हमारा जो घर का पूरा व्यू है वो आपको दिखाई दे दूंगा। ये गाइज हमने एक ट्यूबवेल करवाया था 3 साल पहले, जो कि 1150 फीट, इसमें एक बूंद भी पानी की नहीं लगी थी, और वहाँ पे जो लगा हुआ है ना तिपाई सी, वहाँ पे हमने एक कुआ बना रखा है, उसमें भी पानी था, अब नहीं है। ये है चारों तरफ से दोस्तों, ये हमारा घर है, ये सामने दिख रहा है, ये हमारा घर है। यहाँ पे जो शेड में है वो पानी की टंकी बनी हुई है, सामने कार खड़ी हुई है, और ये हमारी जो घर है उसकी लोकेशन है। तो देख लीजिए गाइस ये हमारा घर है, ये हमारी लोकेशन है। घर से खेतड़ी के लिए रवाना हो रहा हूँ, तो देखते हैं मैं खेतड़ी में जाकर के अभी और भी कुछ दिखाता हूँ, तो बने रहिए आप इस व्लॉग में। दोस्तों अभी मैं मेरे घर से 200 मीटर दूर पर ही अरावली की पहाड़ियों में खड़ा हूँ। अरावली की पहाड़ियों की जो रेंज है, जो बाउंड्री होती है, वो मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पर ही यहाँ से गुजरती है, और मेरे पीछे जो एरिया देख रहे हैं आप इतना सब लंबा चौड़ा, ये सब जो है अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसी का ही ये पूरा जो एक
पठारी टाइप का जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, वो सारा का सारा जो अरावली की पहाड़ियाँ ही है। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है, तो जैसे ही बारिश रुकी तो मैं आज इन पहाड़ी में घूमने के लिए निकल चुका हूँ, और मेरा कम से कम 1 या 2 घंटे का इन पहाड़ी में घूमना रहेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको ये जो है अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, बारिश के पानी की वजह से देखो यहाँ पे कितना, मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कितना शानदार यहाँ का जो मौसम है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, दोस्तों इन पहाड़ियों में घूमते 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 जो है थोड़ी थोड़ी थकान सी होने लग गई, और मैं काफ़ी 7-8 साल के बाद में आज मैं फिर से इन पहाड़ी में पहली बार घूमने के लिए आया हूँ। पहले तो हमारे को आदत पड़ी हुई थी, हम सुबह से शाम तक जो है इन जंगलों में भैंस और बकरियाँ चराते रहते थे। हम जैसे बरसात आती हम लोग यहाँ पे भैंस चराने के लिए आते थे और बकरियाँ, और उस टाइम पे जो है आप मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो खुला खुला एरिया, यहाँ पे पहले बबूल के पेड़ बहुत खड़े हुए थे। यहाँ पे इतने बबूल के पेड़ खड़े हुए थे कि आदमी जो है ना आसानी से इन जंगलों में चल ही नहीं सकता था। लेकिन पता नहीं 3-4 साल पहले इन पेड़ों को तो निकाल दिया गया यहाँ से, बबूल के जो पेड़ हैं उनको तो यहाँ से निकाल दिया गया, JCP से उनकी जड़ें निकाल दी गई, और उसकी जगह पर जो है दूसरे पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। मतलब बहुत ही गजब का काम किया सरकार ने यहाँ पे, कि बबूल के पेड़ों को निकाल करके और दूसरे पेड़ यहाँ पे मतलब उगाए गए यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ और सांसें भरने लगी मेरी चलते चलते यहाँ इन पहाड़ियों में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे हमारे एक धाम बना हुआ है जिसको बोलते हैं पाणेता धाम, वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है भैरव जी का मंदिर, उस मंदिर में मैं जा रहा हूँ अभी। और जो मंदिर है वहाँ पे एक पानी का कुंड बना हुआ है जिसकी गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट वो गहरा है, और उस कुंड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो जो कुंड है वो 5 से या 6 फीट गहरा ही मतलब वो खाली रहता है, मतलब 4 से 5 फीट वो खाली रहता है, और उसमें है ना 12 महीनों उसमें पानी रहता है, उसमें कभी पानी सूखता नहीं है। और सबसे बड़ी खास बात उसकी उस कुंड की यह है कि उसमें जब सर्दी आती है तब तो उसमें पानी गर्म हो जाता है, और जब जैसे ही गर्मी आती है उसमें पानी जो है बिल्कुल ठंडा पानी हो जाता है, मतलब जैसा मौसम होता है वैसा ही उसमें पानी हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, आपको मैं उसी जगह पर जो धाम बना हुआ है पाणेता धाम वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके पास में जो कुंड बना हुआ है जिसकी जो कुल गहराई है वो 10 से 15 फीट है, जो कि 4 से 5 फीट ही हमेशा खाली रहता है, बाकी उसमें कभी पानी सूखता नहीं है। 10 साल से तो मैं उसको देख रहा हूँ लेकिन उस कुंड से कभी पानी ख़त्म नहीं होता, मतलब अब पता नहीं वो प्रकृति की देन है, वो पानी कहाँ से आता है, लेकिन वो जो कुंड है वो कभी खाली नहीं होता है। और मैं अभी आपको उसी कुंड पे चल करके दिखाता हूँ वो कुंड कैसा है, और वहाँ का जो मंदिर है वो भी बड़ा शानदार मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, जो हमारे स्थानीय जो भोपा है वो पुजारी है, मतलब भोपा वहाँ की उसकी पूजा करते हैं उस मंदिर की। और आप देख सकते हैं कि सांस भर गई, और दोस्तों अब मेरी चप्पल भी टूट चुकी है, और अगर बरसात आ जाएगी तो उसका तो बचाव कर ले, मैं छत्ता साथ में लेकर आया हूँ, लेकिन मेरी चप्पल टूट गई। धीरे 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 मुझे चलना पड़ रहा है यहाँ इन पहाड़ियों में, और मैं जा रहा हूँ मंदिर और जो पाणेता धाम है वो आपको दिखाता हूँ। तो बने रहिए दोस्तों आप इस व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।
दोस्त मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे प्राचीन धाम भुणा जी का मंदिर। देख सकते हैं कि आप, ये जो है मेन गेट है इस पाणिता धाम का, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है पाणिता धाम। तो पानी का कुंड, ये जो कुंड है इसमें पानी, जैसे गर्मी आती है तो पानी ठंडा हो जाता है, सर्दी आती तो पानी इसमें गर्म हो जाता है। यानी मौसम के अकॉर्डिंग आदमी को जैसे पानी की ज़रूरत होती है वैसा पानी इस कुंड में ऑटोमेटिक प्रकृति की देन है, वो अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों ये है वो पानी का कुंड, ये कभी खाली नहीं होता है, ये कभी सूखता नहीं है, और ये ज़्यादा गहरा भी नहीं है, 10 से 15 फीट इसकी गहराई है। और अभी जो है इसमें 6 से 7 फीट ये अभी जो है खाली है, बाकी इसमें पानी है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीकी से कि इस ये जो है पानी का कुंड अभी कितना खाली है, तो अभी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैंने आपको वो हमारा जो पास में जो मंदिर है वो भी दिखा दिया, और उसके पास में जो पानी का कुंड बना हुआ है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।